मैं आज बताने वाला हूं नाइटफॉल क्यों बंद करना है उसके बारे में। काफी सारे बच्चे मेरे पास में आते रहते हैं, पेशेंट आते रहते हैं, और वो बोलते रहते हैं कि नाइटफॉल बंद कैसा करना, उनको कमजोरी आ रही है, तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त अग्नियों महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जब आते हैं वो तो बोलते हैं भाई नाइटफॉल हो रहा है, बेड गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, धातु बाहर आ जाता है, और धातु बाहर आ जाए तो फिर अच्छा लगता नहीं है और फिर कमजोरी भी आ रही है। बोलते भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, रात में आप जब सोते हैं तो आपको कोई ऐसे सपने आते होंगे कि जो सपनों में लिंग में कठोरता आती है, और लिंग में कठोरता आने के बाद में सेक्स के कोई विचार आते होंगे, वहाँ से कठोरता आती होंगी, ऑटोमेटिकली कठोरता आती होंगी, पता नहीं रात में क्या हो रहा आपको नींद में, लिंग में कठोरता आती है और उसके वजह से बोलो या कठोरता न आते हुए भी इजैकुलेशन हो सकता है, मतलब धातु बाहर आ सकता है और वो नॉर्मल है। तो लोग बोलते नहीं नहीं आना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य जो है ना वो ज़्यादा, ब्रह्मचारी आदमी बहुत ज़्यादा बहुत साल तक वो जीवित रहता है और वो अंदर पकड़ के रखना चाहिए धातु, तो ऐसी काफ़ी सारी गलत फहमियाँ लोगों में हैं। ब्रह्मचारी आदमी ज़्यादा साल तक जीता नहीं है। नाइटफॉल होना मतलब नॉक्चर्नल एमिशंस जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई खराबी नहीं है, वो होते हैं। तो इसका मतलब उल्टा मैं बोलता हूँ लोगों को, वो हो रहे हैं इसका मतलब तुम नॉर्मल हो और तुम इंसान हो, तुम पुरुष हो। जो पुरुष नहीं है या जिसको नाइटफॉल नहीं हो रहा है उसने चिंता करना चाहिए कि मैं अभी जवान हो गया हूँ, अभी मेरी शादी होने की है और मुझे नाइटफॉल नहीं हो रहा है, क्या मैं आदमी हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, इसके लिए मुझे आना चाहिए, हो रहा करके नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों को काउंसिलिंग करते हैं, मगर आपको इतने सारे वीडियो मिलेंगे कि जो बोलते हैं कि नाइटफॉल कैसे बंद करें, नाइटफॉल कैसे से कैसा छुटकारा पाए, नाइटफॉल के लिए दवाइयाँ लो। एक कौड़ी की भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है। जो तैयार होता है धातु उसने बाहर निकलने गई है। सेमिनल वेसिकल्स नाम की दो थैलियाँ अंदर रहती है पेट में, वो सेमिनल वेसिकल जो थैलियाँ हैं वो भर जाती है धातु से, और यदि पूरी भर गई तो धातु बाहर आना नॉर्मल है, नेचुरल है। और सपने में पता नहीं क्या होते रहता है, सपने कौन से आते रहते हैं, उसमें वो धातु बाहर आ जाता है, इससे कोई कमजोरी आती नहीं है। मैं उनको पूछता हूँ बच्चों को कि भाई देखो, नाइट फॉल होने से यदि कमजोरी आपको आती है या हस्तमैथुन करने से कमजोरी आती है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि धातु जाने से कमजोरी आ रही है, तो फिर हर शादीशुदा आदमी को कमजोरी आना चाहिए, क्योंकि हर शादीशुदा आदमी का धातु तो जा ही रहा बाहर। नहीं बोले, वो तो औरत के गर्भपिश्वी में जाता है, मतलब गर्भपिश्वी में थोड़ी जमा होता है, वो वहाँ जमा होते ऐसा थोड़ी है कि भाई वहाँ जमा होता है, वो तो बाहर ही निकलता है जब औरत उठ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि शादी के बाद में भी वीर्य नाले में जाता है, बाहर जाएगा, हाथ से भी गया तो भी बाहर जाएगा, सपने में गया तो भी बाहर जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई वीकनेस नहीं आता, कमजोरी नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक वीर्य का एक बूंद जो है वो 80 बूंद के बराबरी का है, ब्लड के खून के 80 बूंद के बराबरी का है, एक बूंद वीर्य का बराबर 80 बूंद ये खून, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसका, इसमें कमजोरी भी आती नहीं है, कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है ये, नॉर्मल। नाइटफॉल हो रहा है इसका मतलब बच्चा जो है वो पुरुष बन गया, वो आदमी बन गया, इसमें एकदम नॉर्मल है। खुशियाँ बांटना चाहिए, खुश लोगों को होना चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो ये वीडियो सब यंग लोगों को शेयर करो, युवा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों गलत फहमियाँ निकल जाएंगी। और हमारा जो मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये संकल्प में आप भी हमारे पार्टनर बन जाएंगे। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों को, पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं, मानसिक बीमारी उनको भर्ती करते हैं, इशारों के साथ में भर्ती करते हैं, इशारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है, इसके लिए आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ। थैंक यू वेरी मच।